जी जय हिंद सर। जय हिंद सर। समस्त भारतवासियों की ओर से, संजय शिवाल परिवार की ओर से आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी। परमात्मा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखे, आपकी आप दीर्घायु हो, आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इन्हीं अनंत शुभकामनाओं के साथ समस्त भारतवासियों की ओर से आपको आपके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू संजय, थैंक यू। और मैं आपके माध्यम से समस्त भारतवासियों को एक सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, एक समृद्ध भारत की कामना करता हूँ, एक निरोगी दीर्घायु भारत की बात कामना करता हूँ, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कामना करता हूँ, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की कामना करता हूँ, टैक्स फ्री कर विहीन भारत की कामना करता हूँ, और पेपर करेंसी मुक्त भारत की कामना करता हूँ, जहाँ का किसान और मजदूर, किसान 5 गुना आज की तुलना में समृद्ध हो जाएगा और मजदूर 10 गुना ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। आज यदि ये नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए हमारे चरम चरित्र के राजनेता जिम्मेवार हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोपे हुए हैं, जिन्होंने गुलामों के लिए जो कानून, जो बादशाही व्यवस्था थी, वो भी जिसके तहत मासूम लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, आपके ऊपर वही व्यवस्था अधिक शक्ति के साथ, अधिक पावर के साथ थोपी हुई है। और ये दुष्ट राजनेता, ना स्वयं इनका चरित्र अच्छा है, ना सोच अच्छा है, ना ध्येय अच्छा है, और ऊपर से अपराधी और भ्रष्ट भी हैं। मैं आम जनता को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला समृद्ध इन्हीं सभी व्यथाओं से दूर होगा, पूरी तरह से जो है एक नया भारत होगा, जो कि बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा। 1835 में जो भारत 18 महाविद्याओं में प्रकांडता प्राप्त थी, जो कि और कोई नहीं कह रहा है, लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले 1780 पेजों की रिपोर्ट में 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे हैं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाया गया है, जिसने गुरुकुल की हत्या कर दी। हमारे ये दुष्ट राजनेताओं ने वैदिक ज्ञान को, गुरुकुल को, सनातन धर्म को जिंदा करने की बजाय तुष्टीकरण की नूत अपनाते हुए बदमाशी और मक्कारी की। संविधान की व्यवस्था के विपरीत इन्होंने नियम कानून बनाए हैं। इन्होंने तो भारतीयों से न्याय मांगने का भी हक छुड़ा लिया है। इन्होंने नरसिम्हा राव जैसी लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार ने एक जो है 1.5 पेज का छोटा सा 8 सेक्शन का जो है एक्ट आपके ऊपर थोप दिया, जिसमें आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया गया, जिसका सेक्शन 4 कहता है कोर्ट्स आर डिवार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। तो न्यायालय को न्याय देने का हक छुड़ा लिया गया है, आपको न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है। मैं आम जनता से, भारत के हर नागरिक से आह्वान करता हूं, यह धर्म युद्ध है, इसे बिना खर्च, बिना गुलामों के नियम कानून व्यवस्था और कंडक्ट रूल के तोड़े, मात्र जो है ऊर्जा शक्ति के आधार पर इन्हें हराया जा सकता है। अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। आपको किसी के सामने हाथ फैला के सांसद के लिए या विधायक के लिए टिकट नहीं मांगना होगा, आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ही आपकी जो है ना कुंजी होंगे, और टिकट आपके घर पहुंचेगा, और फिर बिना खर्च किए आप उसको जीत भी पाएंगे। आगे के आप मुख्यमंत्री भी होंगे, मंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे। तो मैं आह्वान करता हूं, हे पार्थी, हे पार्थ, उठो, गांडी उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा, वरना आप आगे की जनरेशन, आपकी संतानें आपको धनधारी के रूप में नहीं बल्कि एक कायर के रूप में याद की करेंगी। वो आपके चरित्र के ऊपर शर्मिंदत्वा लज्जित भी महसूस करेंगी। तो मैं पक्का चाहूंगा कि जब आपका इसमें कुछ जा नहीं रहा है तो हे पार्थ जुड़िए। मैं जन्मदिन पर आप लोगों से एक तोहफा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जुड़ें, और जो 4 संकल्प है उसमें से जो संकल्प आपको सहूलियत और साधारण लगता है उसको जो है ना पालन करते हुए जोड़ें, और हम अपने देश को जो है एक नए देश में कन्वर्ट करें, जिसकी जो है ज्ञान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट
अपने आप में अद्वितीय होगा और भारत न केवल समृद्ध निरोगी और दीर्घायु होगा बल्कि विश्व गुरु भी होगा और वसुंधरा कुटुंबम का सिद्धांत के तहत पूरे विश्व का पालक भी होगा। सर आप जैसे कुशल नेतृत्व में वो दिन दूर नहीं जब भारत में अपराध मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत, खर्च विहीन भारत जल्द बनने जा रहा है। हम लोग इन्हीं शुभकामनाओं के समस्त भारतवासी इन शुभकामनाओं के साथ आपके साथ खड़े हैं और एक दिन हम आपको ये करके दिखाएंगे कि आपने जो सोचा था वो बिल्कुल आसान है और किया जा सकता है। तो बस हम भारतवासी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि परमात्मा आपको दीर्घायु दे लंबी, जिसे आप हमारा लंबे समय तक नेतृत्व कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। संजय थैंक यू। थैंक यू सर।